नमस्कार, मैथिली न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं केंद्रीय कर्मचारी परिषद के आह्वान पर मैनपुरी के प्रधान डाकघर पर डाक कर्मचारियों द्वारा दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। इस हड़ताल में डाक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगे पूरी होने की बात कही गई है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं केंद्रीय कर्मचारी परिषद के आह्वान पर केंद्र सरकार की जन विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मैनपुरी के प्रधान डाकघर पर राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की गई। संविदा कर्मचारियों ने इस हड़ताल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे डाक कर्मचारियों की आखिर क्या क्या मांगे थी ये आप खुद ही सुन लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। किया जाए टोटली समाप्त करके और जो भी जितने भी कर्मचारियों की डेथ होती है उनके लीगल हेयर को शत प्रतिशत जो है उन्हें भर्ती किया जाए, उनको जो है नौकरी दी जाए।